या आपने कभी सोचा है ये जो गिरगिट होता है वो अपना कलर कैसे चेंज करता है, या फिर छिपकली कभी पानी पीते हुए क्यों नहीं दिखा देती। इस दुनिया में एक ऐसा भी जानवर है जिसका बेबी पैदा होने के बाद हर दिन 80 से 90 किलोग्राम तक वजन में बढ़ता है। या फिर चींटियां एक लाइन में ही क्यों चलती हैं, क्या कभी कोई 3 साल तक बिना कुछ करे खाए पिए सो सकता है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं ऐसे ही कुछ एडमायरेबल वन वन फैक्ट्स को। फैक्ट नंबर 10, आपने कभी ना कभी चींटी को एक लाइन में चलते हुए जरूर देखा होगा। ऐसा नहीं है कि ये चींटियां अपनी रानी के पीछे पीछे चलती हैं, एक्चुअली जो आंट्स होती हैं उनकी जो स्मेल करने की पावर होती है वो बहुत ऑसम होती है, बोलो तो एकदम झकास। तो जब कभी भी आंट्स खाने की खोज में निकलती हैं तो जो सबसे आगे वाली चींटी होती है वो एक फेरोमोन्स नाम का केमिकल छोड़ती हुई चलती है। इसके रहते बाकी की चींटियां इस केमिकल को स्मेल करके इसके पीछे पीछे चलने लगती हैं। फैक्ट नंबर 9, आपने कभी ना कभी सांप को तो जरूर देखा होगा। सांप का जीभ बार बार बाहर निकालने का रीज़न कोई जेनेटिक हैबिट नहीं, बल्कि सांप की जीभ में बहुत छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो कि माइंड के साथ कोऑर्डिनेट करके सांप की स्मेल करने की जो पावर होती है उसे बूस्ट कर देते हैं। इसी के चलते सांप बार बार अपनी जीभ को बाहर निकालता है। फैक्ट नंबर 8, रेंगकर चलने वाले स्नेल के पैर तो होते हैं लेकिन एकदम सपाट। दरअसल स्नेल के पैर के नीचे की तरफ एक ग्लैंड होता है जो कि एक लिक्विड फॉर्म की लार को छोड़ता है, जिसके चलते स्नेल के नीचे की तरफ फिसलन हो जाती है, जिससे चाकू की धार पर भी बहुत आसानी से चल सकता है, वो भी बिना किसी इंजरी के। और तो और स्नेल के अंदर 3 साल तक सोने की एबिलिटी इसे बहुत पॉपुलर बनाती है। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ही ऐसे मच्छर हैं जिनके काटने से बीमारियां होती हैं, लेकिन जनरली मच्छरों के काटने से खुजली तो जरूर होती है लेकिन बीमारी नहीं। रुको, ये खुजली आखिर क्यों होती है? एक्चुअली फीमेल मच्छर को अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है जो कि इंसानी खून में पाया जाता है, तो सिर्फ फीमेल मच्छर ही हमें मोस्टली काटती है। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर मेल मच्छर का क्या? एक्चुअली मेल मच्छर सिर्फ रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो जब कभी भी फीमेल मच्छर हमें काटती है तो काटे हुए पोर्शन पर बहुत जल्दी से ब्लड का थक्का ना जमे इसलिए वह एक स्पेशल टाइप का केमिकल या फिर लार छोड़ती है, जिसके चलते हमारी बॉडी उस पोर्शन पर खून का थक्का बहुत जल्दी से नहीं जमा पाती, और उस केमिकल या फिर लार के हमारे ब्लड में मिलने से हमें खुजली होने लगती है। फैक्ट नंबर 6, आपने बिल्ली की आंखें रात में चमकती हुई देखी होंगी। सिर्फ बिल्ली की ही नहीं, लायन, टाइगर, डॉग, इन सब की आंखें भी रात में बहुत चमकती हैं। एक्चुअली इन जानवरों की आंखों में मटेरियल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एक पतली सी परत होती है, इसके रहते जब इस परत पर लाइट पड़ती है तो यह उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है जिसकी वजह से हमें यह चमकती हुई दिखाई देती हैं। वहीं एक लैब में बिल्ली की आंखों पर हुए एक रिसर्च से पता चलता है कि बिल्ली की आंखों के पीछे की तरफ एक चमकदार मटेरियल की एक पतली सी परत होती है जिसे ल्यूमिनस टैपेटम कहते हैं। ये मटेरियल लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसी परत के रहते बिल्ली कम रोशनी में भी बहुत आसानी से देख सकती है। फैक्ट नंबर 5, अंधेरी रात में पेड़ों के ऊपर चमकदार जुगनुओं के चमकने का हिप्नोटाइजर सीन तो सबने देखा ही होगा, पर क्या आप जानते हैं ये जुगनू कैसे चमकते हैं? एक साइंस की रिसर्च में पता चला है जुगनू अपने खाने की तलाश में या फिर अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए चमकते हैं। एक्चुअली जुगनू की बॉडी के पीछे वाले पोर्शन में एक केमिकल रिएक्शन बार बार होती रहती है। इस रिएक्शन में ल्यूसिफेरिन और ल्यूसिफेरस नाम के दो प्रोटीन बनते हैं, और जब ये प्रोटीन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होते हैं तब ये एक तरह की लाइट को प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हमें जुगनू चमकता हुआ दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 4, नाक तो सभी के पास होती है जिससे हम सांस लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं मछली अपनी नाक से नहीं बल्कि अपने गिल्स यानी फेफड़ों की हेल्प से सांस लेती है। मछली के फेफड़े पानी में मौजूद ऑक्सीजन को फिल्टर करते हैं और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। मछलियाँ कभी भी खुली हवा में या फिर पानी से बाहर ये काम नहीं कर पाती, जिसके चलते जब भी मछलियों को पानी से बाहर निकाला जाता है तो इनके फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं जिससे मछली सांस नहीं ले पाती और मर जाती है। फैक्ट नंबर 3, वैसे तो इस दुनिया में सभी को पानी पीना बहुत जरूरी होता है, लेकिन क्या आपको पता है छिपकली एक ऐसा जीव है जो कभी भी पानी नहीं पीती। एक्चुअली छिपकली जनरली सूखे एरियाज में पाई जाती है क्योंकि इन एरियाज में पानी की बहुत कमी होती है, तो छिपकली ने खुद की बॉडी सिस्टम को इन एरियाज के अकॉर्डिंग बना रखा है, मतलब अपने पानी पीने की जो क्वांटिटी है उसको बहुत कम कर रखा है, तो ये जो भी कीड़े मकोड़े या फिर मक्खियां खाती हैं उसी से अपनी पानी की कमी को भी पूरा कर लेती हैं।
फैक्ट नंबर टू, अपनी स्किन का कलर बदलने के मामले में गिरगिट का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पर ऐसा कैसे कर लेता है ये गिरगिट? एक्चुअली अपने अलग अलग एक्सप्रेशंस जैसे हैप्पीनेस, मूड, एंग्रीनेस को शो करने के लिए वे ऐसा करते हैं, और सांप जैसे शिकारी को चकमा देने के लिए भी वे ऐसा ही करते हैं। एक रिसर्च के दौरान ये पता चला है कि गिरगिट की स्किन में फोटोनिक क्रिस्टल्स होते हैं। ये बहुत ही माइक्रो लेवल के क्रिस्टल्स की एक पतली परत होती है। ये नैनो साइज के क्रिस्टल होते हैं। ये परत गिरगिट की बॉडी के सबसे ऊपर की तरफ होती है, तो जब भी इस परत पर कोई भी लाइट पड़ती है तो ये उस लाइट के रिफ्लेक्शन को अफेक्ट करता है, जिसके चलते हमें गिरगिट का बदला हुआ रंग दिखाई देता है। फैक्ट नंबर वन, ब्लू व्हेल। समुद्र में पाई जाने वाली ये मैमल वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पीसीज में से एक है। ये इतनी बड़ी होती है कि यह बड़े से बड़े जहाज को भी बहुत आसानी से उलांग सकती है। क्या आप जानते हैं, ब्लू व्हेल इस धरती पर 5 करोड़ साल पहले से एग्जिट करती है। इसका वजन 180 टन तक भी हो सकता है। एक म्यूजियम में रखे डायनासोर के एक स्केलेटन का साइज लगभग 27 मीटर का है। यह उससे भी बड़ी होती है। वहीं इसका बेबी जन्म के बाद हर दिन लगभग 200 से 300 लीटर दूध पी जाता है, और इस बेबी का वजन लगभग हर दिन 80 से 90 किलोग्राम तक बढ़ता रहता है।